हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कार्ड नंबर 2 इज़ यिन एंड यांग। सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद कार्ड नंबर 1। हेलो गाइज, अगर आपने वो वाला कार्ड चूज करा है ट्रांसफॉर्मेशन, सो या तो अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है, ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई है यहाँ पे। सो मतलब आप इवॉल्व कर रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त, या अब आपका वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे एक के बाद एक के बाद एक, ताकि आपको आपका बेस्ट वर्जन जो है वो बना सके, ठीक है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सो पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। Two of Swords, The World, Knight of Cups, and Five of Pentacles. सो गाइज, सबसे पहले तो आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी जो भी साइकिल चल रही थी ना वो कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल आपकी लाइफ की शुरू होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपके लिए लव ऑफर आते हुए दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स आया है आपके लिए, लव ऑफर आ रहा है आपके लिए। ये आपके सेम पर्सन हो सकते हैं, फिर डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, ओके। अगर आपको किसी का इंतज़ार है बहुत वक्त से, आप रिलेशनशिप में हो, इस पार्टनर का वेट कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे मिलने आ रहे हैं आपकी तरफ, एक स्टेप ले रहे हैं, प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो भी आपकी तरफ कोई ना कोई पर्सन है जो आते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मतलब आपके बारे में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहा है कि लाइफ में सब कुछ कैसे सही होगा, मतलब आप बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, आप दिमाग बहुत लगा रहे हो इन चीज़ों पे कि सब कुछ सही कैसे होगा, कब होगा, क्या करना चाहिए। आई फील कि उन सब के जवाब जो है ना वो डिवाइन आपको देने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं दिमाग के, ठीक है, वो सब ख़त्म होंगे बिकॉज फाइनली ये साइकिल एंड हो रही है आपके लिए कन्फ्यूजन वाली और नई साइकिल शुरू हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री आप जा सकते हो आने वाले टाइम में। द वर्ल्ड कार्ड आया है, ओके, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको। आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान देना है अपने फाइनेंसेस पे और अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शायद आपका करियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी मनी लाइफ इतनी खास नहीं चल रही है। थोड़ा सा आपको और एफर्ट मारना पड़ेगा उस चीज़ में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर वाइज, और अगर आप उसको ले लेते हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। आपका जो भी ये पीरियड चल रहा है ना जहाँ पे आपको फील होता होगा कि आप शायद उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो या उतना आगे नहीं बढ़ पाए हो, तो वो सारे जो भी आपके डाउट है ना वो सब ख़त्म होंगे उस चीज़ को लेके, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करते हो जो कि आपकी लाइफ में आने वाली है। और देख लेते हैं और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। ओके, अवेयरनेस, आप ना जो भी चीज आप पाना चाह रहे हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो ताकि वो चीज जल्दी मिल जाए आपको, ठीक है, बिकॉज अभी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो बहुत जल्दी आप पा लोगे। तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो पूरे दिल से, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ। सफरिंग इन साइलेंस, आई थिंक आप
अकेले में बहुत सफर कर रहे हो, ठीक, कुछ भी वजह हो सकती है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एनी रीजन, बट गॉड कह रहे हैं कि अकेले में सफर करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद को अपनी हेल्प करनी है और उस बैड फेज से अपने आपको बाहर निकालना है, ठीक है। और उसका सबसे इजी तरीका है कि आप कनेक्ट हो जाओ विद डिवाइन और उन पर ट्रस्ट रखो और पॉजिटिव सोचो। विजडम, आप कुछ नया कोर्स पढ़ सकते हो आने वाले टाइम में, कुछ नया कोर्स आप कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ हायर डिग्री ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप, आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है, आपकी फैमिलीज जो हैं वो आपस में मिल सकती है, अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, और अगर आप अरेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई रिश्ता आ रहा है आपका फैमिली की साइड से, ओके, बट डेफिनेटली आपके अंदर बहुत विजडम आ रहा है, आपके अंदर बहुत नॉलेज आ रही है, आप बहुत एक लर्न्ड पर्सन बन रहे हो, बिकॉज आपने जो भी सहा है इतने वक्त से, उस चीज़ ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, ठीक है, बहुत एक आई वुड से मेच्योर बनाया है, तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल करके आप आई एम सॉरी दूसरों की भी हेल्प करोगे उस चीज़ में, ठीक है। और देख लेते हैं, ऑक्यूपेशन की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, जहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं ना वो बहुत मैटर करेंगे, कोई नई जॉब आप अप्लाई कर रहे हो और आप उसका सिलेक्शन आप मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप किसी स्किल के ऊपर वर्क कर रहे हो, वो टैलेंट है आपका, तो वो फाइनली वो दुनिया के सामने आएगा और आप उस चीज़ को हॉबी के बजाय उसको एज अ ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ठीक है, उसे आप अर्न कर सकते हो। या फिर यहाँ पे जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए है, लेकिन यहाँ पे है ना हार्डवर्क से ज़्यादा स्किलफुल वर्क मुझे दिख रहा है, कि आपको स्किल्स पे वर्क करना चाहिए अपने ज़्यादा, हार्डवर्क तो आप कर ही लोगे, बट यू नो यू शुड एनहैंस योर स्किल्स। और देखते हैं, वेल्दी मैन, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल से अपने आप को निकालोगे आप, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि आई थिंक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके, सो फाइनली वो स्ट्रगल, वो जो भी आपको टेंशन रही है पैसों की वजह से, वो सब खत्म होगी, या आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है और जो पर्सन होगा ना वो काफ़ी रिच होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी फैमिली से आपके लिए रिश्ता आएगा। बैड हेल्थ, या टोल्ड यू कि आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, बिकॉज आने वाला टाइम शायद आप थोड़ा सा ना मेंटली ज़्यादा प्रेशर ले लो अपने माइंड पे, या उस वजह से आपकी बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है, तो आपको स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ पे फोकस करना है आने वाले वक्त में, ठीक है, और अपने करियर पे फोकस करना है, बिकॉज आपके लिए हेल्थ और ऑक्यूपेशन ये मेरे को ज़्यादा एक कंसर्न एरिया लग रहा है, तो आप मेक श्योर कि अपना मोस्ट टाइम आप इन चीज़ों को दो। यहाँ पे एंजल नंबर बन रहा है 1331, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो चीज़ों को, गाइडेंस आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लव लाइफ में आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है, एक नई रोमांटिक साइकिल, जो भी कन्फ्यूजन स्टे नो कॉन्टैक्ट सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा, मेन जो फोकस करना है ना आपको अपने हेल्थ पे और अपने करियर पे करना है आने वाले टाइम पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अटेंशन मांग रहा है अभी। देन लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद करो। आई थिंक सफरिंग इन साइलेंस कार्ड आपका इसलिए आया था बिकॉज आप अकेले में अपने आप को बहुत दुख दर्द दे रहे हो, ठीक है, आप अकेले में बहुत सफ़र कर रहे हो, तो अब थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को बड़ा सोच रखो, ठीक है, बड़ी सोच के साथ देखो अपनी लाइफ को। देन वी हैव लक इज ऑन योर साइड, सी लक आपके साथ है, लक बिल्कुल, मतलब आपका लकी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो क्यों ना इस लक को अपनी तरफ करा जाए और उस इस चीज़ का फायदा उठाया जाए आने वाले टाइम में। चलिए आपके लिए पर्सनल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। ग्रुप नंबर 1, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, सी
आप कुछ बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो काबिलियत है कि आप जो चाहो ना कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है वो सीड को प्लांट करने की। उसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा बनेगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगी, ठीक है। लेकिन प्लांट तो आपको ही करना पड़ेगा सीड। या आप जो वर्क कर रहे हो ना अभी, वो करते रहो, कुछ अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, वो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। और देखते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए गाइडेंस। फॉरगिव, यहाँ पे भी ये पर्सन अकेले में उदास बैठी है, ठीक है। और आपकी कंडीशन भी ऐसी कि शायद आप दूसरों के जख्म या दूसरों की बातें बहुत सीरियसली ले लेते हो, उस वजह से आप हर्ट होते रहते हो। आप किसने आपको हर्ट करा है एक्चुअली में, तो सबसे बेस्ट तरीका है उस चीज़ को भुलाने का कि आप फॉरगिव कर दो, ठीक है, और अपने आप को आप खुश रखो। बिकॉज पास्ट में जाके आप वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, या पास्ट में जाके आप वो चीज़ें जो है फिर से अच्छी नहीं कर सकते हो, जो भी गलत हुआ है गलत बोला आप, लेकिन आप माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को एटलीस्ट आप खुश रख सकते हो। इतना आप खुद के लिए कर सकते हो। तो ज़रूरत है आपको फॉरगिव करने की, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की अभी आने वाले टाइम में। यहाँ पे कार्ड गिरा है आपके लिए, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सी, यहाँ पे चैलेंजेस कितने हैं इस रोड पे, लेकिन फिर भी ये रोड आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। सो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे, सो रुकना मत। देन फियर वरीज टेंस सिचुएशन, आपको डर है, आपके अंदर एक घबराहट है, आप टेंस रहते हो कि पता नहीं क्या होगा आगे। आई थिंक ये नेगेटिव इमोशंस है जिसपे आपको कंट्रोल पाने की जरूरत है। देन मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके किसी के साथ, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, या आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो जस्ट क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ भी है आपकी, कोई भी हो सकता है वो। देन वी हैव एक्साइटमेंट, सो जो आपकी बोरिंग सी लाइफ है ना, इसमें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आ रहा है आने वाले टाइम में, सो होल्ड ऑन करिए, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, बहुत एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपको उसके लिए हार्डवर्क भी करना है। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो गाइस, जिन्होंने भी यिन एंड यांग कार्ड चूज करा है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। एंड ये कार्ड आपने चूज करा है तो डेफिनेटली आप शायद उस पाथ पे चल रहे हो जहाँ पे आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज हमारे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी है, डिवाइन फेमिनिन भी है, ठीक है। तो जब इम्बैलेंस होता है एनर्जीज का, तब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हम शायद बहुत इम्बैलेंस से हो जाते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ, एवरीथिंग। सो आई थिंक आप उस पाथ पे हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ पे दिख रहे हो मुझे इस वक्त, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग शायद एक सोलमेट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, यिन एंड यांग, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या ला रही है आपकी लाइफ आपके लिए आगे, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए अब आगे। ग्रुप नंबर टू के लिए क्या होने वाला है आगे, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। कार्ड गिरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। ही मैंने कहा था आप सोलमेट रिलेशनशिप्स में, और आपके लिए कार्ड भी आ गया सिक्स ऑफ कप्स का, विच इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तो आपका सोलमेट कनेक्शन है एक पार्टनर के साथ, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है आपका एक पर्सन के साथ, ठीक है। और वो जो कनेक्शन है ना, वो आगे जाके, ये जो कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, वो आगे जाके इट विल टर्न इनटू मैरिज, ठीक है। बिकॉज अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, फैमिलीज मिल रही हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, और
आपका और उस पार्टनर का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है, बहुत लव है, और ये लव जो है ये और बढ़ेगा आपके बीच में, ठीक है। आप बहुत वक्त बाद इस पर्सन से मिल सकते हो, पार्टनर आपको फ्लावर्स वगैरह दे सकते हैं मिलके, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो भी आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट जो है वो एंटर होंगे। आपकी फैमिली आ सकती है उनको, ठीक है, आप कहीं पार्टी में मिल सकते हो उनसे, बट आपका डेस्टाइन है कि आपकी शादी जो है वो आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। और यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल के, तो डेफिनेटली पेंटिकल इंडिकेट्स स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस। तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, जो आप इधर उधर भाग रहे हो ना अपनी लाइफ में, खुद को ढूंढ रहे हो, क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ जो आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त, उस सब का जवाब आपको मिलने वाला है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे आती हुई दिख रही है आपकी तरफ, जो कि आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है। करियर वाइज एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो हालांकि मुझे स्लो है, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आप उसको ग्रैब कर लोगे, ओके। और आप ना आने वाले टाइम में काफ़ी सेविंग्स भी करने वाले हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और आप काफ़ी शायद मनी माइंडेड हो आप थोड़े, मतलब इन द सेंस कि आप फालतू चीज़ों पे खर्च करना पसंद नहीं करते हो, तो इस तरह का आपका थोड़ा रह सकता है आने वाले टाइम में। आप काफ़ी पोजेसिव हो सकते हो अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। और मेरे को दिख रहा है कि आप आने वाले टाइम में कोई ना कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड कर रहे हो, जो फंक्शन है ये आपके लिए ही हो रहा है, मतलब आपके जो पर्सन है ना फाइनली आपको प्रपोज कर रहे हैं, देख रहे हो, अभी फ्लावर दे रहा है इसको, सो प्रपोजल मिल रहा है आपको फाइनली। आपका जो ये इतने वक्त का इंतजार है ना, इट इज टर्निंग इंटू मैरिज, सो फाइनली आपकी शादी हो रही है आने वाले टाइम में, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो काफ़ी इनोसेंट सी एनर्जी आई है आपके लिए, काफ़ी सॉलिड ग्राउंडेड एनर्जी आई है आपके लिए, और एक पक्का वाला कमिटमेंट मिलेगा आपको आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की साइड से, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं, और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे आने वाले टाइम में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, सैक्रिफाइस, देन वी हैव बैलेंस, एंड वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, सो आपकी पार्टनरशिप तो हो ही रही है आपके पार्टनर के साथ, ओके। बहुत वक्त बाद आप या तो मिल रहे हो इस पर्सन से, या फाइनली ये पर्सन आपका हाथ पकड़ के आपको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले टाइम में, या आपकी पार्टनरशिप हो रही है किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेस के साथ, किसी जॉब के साथ, बट पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके, आपके अलायंसेस बनेंगे। एंड बैलेंस कार्ड इंडिकेट्स बैलेंस आ रहा है हर चीज़ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली बैलेंस आ रहा है। सैक्रिफाइस इंडिकेट्स पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस अभी रखिए, इम्पेशेंट मत हो जाइए एकदम से कि सब कुछ आज के आज चाहिए मुझे, इस तरह से नहीं, ठीक है। पेशेंस आपको बराबर बना के रखना है, बिकॉज जितना आप पेशेंस रखोगे ना, उतना ही आपको डिवाइन और देंगे, सो पेशेंस में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी बैलेंस आ रहा है आपके रिश्तों में, आ रहा है आपके खुद के अंदर, स्पेशली बैलेंस आ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है आने वाले टाइम में। एडजुडिकेशन, आई थिंक आप में से काफी लोग शायद कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हो, या कुछ लोग भी अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन, एंड बेड हेल्थ, ये वाला कार्ड पहले भी आया था। ओके, आपको अपनी हेल्थ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली वेदर चेंजेस तो हो ही रहे हैं, बट आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे आया है 1122, सो 1122 एंजल नंबर, डेफिनेटली एक नई शुरुआत बता रहा है आपकी लाइफ में। ऑफिशियल पर्सन इंडिकेट्स कि आपके जो पर्सन है फाइनली कुछ ऑफिशियल करेंगे आपके साथ, ठीक है, जो भी होगा ऑफिशियली होगा, फाइनली वो कमिटमेंट मिलेगा। आप ऐसे काफ़ी शायद मिलिट्री ऑन कर रहे हो, शायद आप लोगों का इंटरेस्ट है काफ़ी लोगों का कि
आप ज्वाइन करो आर्मी मिलिट्री, ठीक है, आप उसमें जा सकते हो आने वाले टाइम में, और या पुलिस वगैरह में। कुछ लोग लीगल फील्ड में जा रहे हैं, कुछ लोग शायद मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जुडिकेशन इंडिकेट्स दैट कुछ लीगल मैटर्स अगर है आपका तो आप उसमें विनर रहोगे। या कुछ लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने किसी जॉब का, बट आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। एंड आपको ना फालतू की स्ट्रेस नहीं लेनी है कि लाइफ में सब कुछ कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे प्रोफेशंस आप देख रहे हो, डॉक्टर, आर्मी, मिलिट्री, देन लॉयर। सो बेसिकली अगर आप इसमें ट्राई करना चाह रहे हो ना, आप अप्लाई करना चाह रहे हो इन फील्ड्स में, तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं हम गाइडेंस आपके लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द। आपकी स्टोरी का कंक्लूजन आ रहा है। देन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो भी आपके सपने आपने देखे हैं ना अपनी लाइफ को लेके, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए प्रैक्टिकली। देन होल्ड योर विजन, अपना विजन बरकरार रखो। जो भी आपने ड्रीम देखे हैं ना उस पर गिव अप मत करो, उस पर होल्ड रखो अपना विजन, क्योंकि कंक्लूजन आने वाला है आपकी स्टोरी का और आपको बहुत कुछ मिलेगा आगे। आप बस अपना हार्डवर्क करते रहो। चलिए देखते हैं आपको स्पेसिफिकली क्या करना है। ग्रुप नंबर 2, मेरा ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज। सी बेड हेल्थ कार्ड आया था ना यहाँ पे, तो आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है बेसिकली, ठीक है। आपकी बॉडी किसी पैलेस से कम नहीं है, किसी महल से कम नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उसको वैसे ही ट्रीट करना है, प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग। और आपको ना रिलैक्स रहना है, आप डांसिंग वगैरह भी कर सकते हो। देन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सी सेल्फ लव इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको अपने आप से लव करना बंद नहीं करना है, आपको अपना खास ख्याल रखना है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है, ठीक है। और चाहे कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आपकी लाइफ में अभी या आने वाले टाइम में, आपको कभी भी खुद को उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है कि कुछ चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हुई इन दी पास्ट तो आप उसके जिम्मेदार हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप से प्यार करो, ठीक है, फिर आपको लाइफ की सारी खुशियां मिलेंगी। यहां से देखते हैं गाइस आपके लिए ग्रुप नंबर 2, वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो आप कहीं घूमने जा रहे हो फिजिकली मेंटली, कहीं आप स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हर मुसीबत से वो बचा के रखेंगे हमेशा। देन टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा बाहर निकलिए, मज़े करिए, ठीक है, इन्जॉय करिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। देन ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आई थिंक आप बहुत परेशान हो रहे हो छोटी छोटी बातों को लेके जो कि वैल्यू भी नहीं करती हैं इतनी, तो वो नहीं होना है आपको। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। आई थिंक आपकी परेशानी की वजह है कि आपकी फैमिली और या फ्रेंड्स में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं और उस वजह से आप परेशान हो रहे हो। बट आपको ना अपने आप को उस वजह से अफेक्ट नहीं करना है इतना, बिकॉज अल्टीमेटली उसका अफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो आपको बहुत बैलेंस रहना है। अगर कोई लड़ रहा है तो आपको उसके पीछे नहीं जाना है, आपको अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है स्पेशली, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ सही है। आई थिंक ज़्यादातर जो टेंशन है वो आपके सिर्फ दिमाग में है, रियल लाइफ में नहीं है इतनी टेंशन, ठीक है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। स्टे पॉजिटिव एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।